बस वन में तिरसठ नंबर पर जो एग्जाम्पल है। बोलिए क्वेश्चन बोल दीजिए, काम खत्म हो गया। टेन थीटा इक्वल टू चार बटा तीन हो तो सिद्ध कीजिए, चार बटा तीन हो तो सिद्ध कीजिए। हाँ, रूट वन माइनस साइन थीटा अपॉन वन प्लस साइन थीटा इक्वल टू वन माइनस साइन थीटा अपॉन वन प्लस हाँ साइन थीटा इक्वल टू वन अपॉन थ्री वन अपॉन ये वाला सर मुझे थ्री वन अपॉन थ्री सर ये मेरा हो गया है सही। अच्छा आपका हो गया है, कोई बात नहीं, चलो जाने दो, घबराने कोई बात नहीं, आराम आराम से पढ़ो। वो तो गया है, इसके दो तीन इजी वाले मेथड से बताओ। अच्छा इजी से बताएं इसको, चलिए देखिए हम लोग हल करते हैं इसको। हमारे पास क्वेश्चन जो दिया है टेन थीटा के रूप में, और यहाँ पे क्या दिया है साइन थीटा, टेन का नामो निशान नहीं है उसमें, सॉल्व करो उसी को। यहाँ पे रखेंगे प्रूफ जो करना है, वन माइनस के साइन थीटा अपान दिया है वन प्लस में साइन थीटा, देखो नया तरीका सिखा रहा हूँ, क्लियर। यहाँ पे लिखना एलएचएस लेने पर, एलएचएस लेने पर, क्योंकि हमने एलएचएस को लिया ना, आरएचएस को प्रूफ करना है। चलो इसको हमको टेन बनाना है जी, इसको हमको टेन बनाना है, क्या करना पड़ेगा। टेन थीटा का मान क्या होता है बताओ तो, साइन थीटा अपान में कॉस थीटा, ऐसा ही होता है ना। बोलिए कोमल सौर्य अशिक्षा, ऐसा ही होता है ना। टेन थीटा का मतलब साइन थीटा अपान कॉस थीटा, इसको हमको टेन में बदलना है। इसमें क्या चाहिए, साइन तो दिया है, कॉस की जरूरत है, इसका मतलब कॉस इसमें क्या कर देते हैं, भाग कर देते हैं, तो आपका मान में परिवर्तन नहीं होगा। देखो कैसे यहाँ पे दिया वन माइनस के, लेकिन प्रॉब्लम हो जाएगा, फिर से एक में बन जाएगा, और वही सर ये क्वेश्चन जैसे मैंने वैसे किया था पाइथागोरस प्रमेय लगाया है, तो तीनों के मान आ गए, उसके बाद फिर साइन का मान रख दिया और सर ए बटे रूट हो गया, समझ गया वही वही होगा भाई, सही सही कह रहे हो। चलो यहाँ पे देखो टेन थीटा आ रहा था, आपने ए बी सी यहाँ पे मान रखो थीटा, क्या दिया है चार बटा तीन लंब बटा आधार दिया है, तो कहाँ का मान निकालो तो चार चौक के सोलह और तीन तीन के नौ, मतलब हो जाएगा रूट पच्चीस, मतलब हो जाएगा पांच, चारों ध्यान देना पांच आ गया ना, सीधा सारा दो इसी में काम खत्म करो, हो गया वन माइनस साइन थीटा का मतलब क्या होता है लंब बटा में खड़, चार बटा पांच हो जाएगा यहाँ पे, बटा में यहाँ पे क्या इसका प्लस हुआ तो वन प्लस चार बटा पांच ही होगा, सॉल्व करिए आगे, तो पांच एक क्या पांच, पांच में से चार घट गया था एक बटा पांच हो जाएगा, ठीक हो जाएगा बटा पांच एक पांच चार नौ हो जाएगा नौ बटा पांच, पांच क्लियर, पांच से बटा कट गया एक बटा नौ, इसका मतलब नौ एक का एक हो जाएगा एक बटा तीन, एक बटा तीन आधे से यही सिंपल भी था इसका। हाँ तो सिंपल इसमें टिपिकल बना दिया है बुक में, नहीं तो ऐसे ही लगा, ऐसे ही लगा। अगला क्वेश्चन हो गया सबका ना, बाकी कोई बताओ अगर और कोई क्वेश्चन फंसा है तो। कोई क्वेश्चन नहीं फंसा है आपका, जो मुझे रहा था जी सर, नहीं बाकी हो गया, बाकी हो गया जैनब सोनिया कोमल आप लोग बताओ, शिक्षा पूजा कृति खुशबू, कोई नहीं पूछेगा प्रॉब्लम है तो पूछिए, जो प्रॉब्लम है अपना। चलिए देखिए रहन सब लोग, क्वेश्चन है आपका साइन थीटा बराबर दिया है नौ बटा में इकतालीस, तो आपको मान ज्ञात करना है टेन ए माइनस के कोसेक ए का, ठीक हल कीजिए। आज फंसें रहा है ठीक है मानो, देखिए हमको यहाँ पे क्या करना है कि तो देखना है त्रिकोणमिति, ए मान दिया है तो ए यहाँ पे रखेंगे, फिर बी रखेंगे तब सी, क्या दिया है टेन थीटा का मतलब क्या होता है लंब बटा में कण होता है, इसका मतलब लंब का मान नौ दिया है और कण का मान क्या दिया है इकतालीस दिया है, ये आपको निकालना है, पाइथागोरस लगाइए हो जाएगा एसी का जो स्क्वायर होगा चालीस ही आएगा, वैसे यहाँ पे सॉल्व करोगे तो चालीस आएगा, ठीक है दिखा दे हैं क्या आएगा ये तो बता दो, देख लीजिए कोई दिक्कत नहीं,
ये हो जाएगा आपका सी बी का स्क्वायर प्लस में ए बी का स्क्वायर। ठीक, सी बी का मान क्या है 41, 41 का स्क्वायर हो गया, ए सी का यहाँ पे 9 का स्क्वायर हो गया यहाँ पे, और प्लस में यहाँ पे हो गया ए बी का स्क्वायर, इसको इधर लेकर आओ तो हो जाएगा 41 का स्क्वायर माइनस के 9 का स्क्वायर इक्वल टू ए बी का स्क्वायर। आप लोग क्या करते हो, तो तोड़ने लगते हो, तोड़ो नहीं, उसको देखो किससे बन, ए स्क्वायर माइनस के बी स्क्वायर पे बन रहा है, चेक करो। तो पहले ब्रैकेट में ए प्लस बी, दूसरे ब्रैकेट में ए माइनस के बी इक्वल टू ए बी का स्क्वायर, सॉल्व करेंगे तो 50 हो जाएगा ये, इसको जब घटाओगे इसमें से तो ये हो जाएगा आपका 32 हो जाएगा इक्वल टू ए बी का स्क्वायर, रूट में जब आ जाएगा तो क्या बन जाएगा 50 × 32 इक्वल टू ए बी। 50 का मतलब क्या होता है, 25 दूरी के 50 होता है, 25 दूरी के 50, इसका मतलब 50 को लिख सकते हैं 5×25 दूरी के 50, इसको लिख सकते हैं 16×32, इसका मतलब 2×16 को लिख सकते हैं 4×16 हो गया ए बी। दूरा किसका बना, एक 5 निकल गया, एक 2 निकल गया और एक 4 निकल गया, 5×10×40, ए बी का मान कितना आ गया 40। सर एक बार इतना लंबा करने की जरूरत कैसे करे आपने, बता रहे सर एक बार हम बोले सर, सर आप इतना बड़ा बच्चे को क्यों करा रहे हैं सर, वैसे डायरेक्ट हो जाएगा था, इतना करके फॉर्मूला भी आपने लगा दिया तो वो लंबा हो जाता है सर, 41 का वर्ग करिए, दोनों तरफ से बता रहे हैं, नहीं नहीं एक बता रहे हैं सर हम, अच्छा मान लो अभी सुनो, अभी तो छोटा है तो लगा ले, और बड़ा रहेगा तो क्या करोगे, तरीका है लगाने का, इसको साथ में भी लगा सकते हैं, इसका हम बताए हैं सर आपको निकालने का, जैसे अगर ये है कि इसमें भूलेंगे नहीं आप जैसे हो जाएगा, वैसे नहीं आता निकलो, 41 का स्क्वायर है माइनस 9 का स्क्वायर है, कोई 41 का हम बताए ये 0 हो गया, 4×16 हो गया, 4×4 × 8 का स्थान छोड़ के लिखो तो 1 हो गया यहाँ पे, 8 हो गया, 6 हो गया, 1 हो गया, माइनस के 9×9 = 81 घटा दो इसमें से 81, 1 0 हो जाएगा, 8 में से 8 घटेगा 0 हो जाएगा, 1600 सब जानते हैं कि 4×16 होता है, तो 4×10 हो जाएगा, इसका स्क्वायर कर देंगे तो यहाँ पे निकल जाएगा रूट में, तो 4×40 निकल गया, ऐसा ही सिंपल, ये तरीका अलग है वो तरीका अलग है, दोनों ही सही है, जैसा आपको निकालोगे मतलब ये आपका हो गया। अब इसके बाद से हम क्या करेंगे कि 40 निकल गया हमारा कैसे, अब उसका मान पूछेगा लगा देंगे हम, अब उसका मान हम लगा देंगे, ठीक है, अब इसका मान क्या करेगा रखा जाएगा, टैन थीटा दिया है, टैन ए दिया है, तो टैन ए का मतलब क्या होता है लंब बटा आधार, तो ये हो जाएगा 9/40 दिया है चले रुकिए माइक बंद कीजिए, अगर 9/40 माइनस के कोसे के, कोसे का मतलब होता है साइन का उल्टा, साइन थीटा का मतलब क्या होता है लंब बटा में कॉस, एक कर्ण बटा में लंब हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा 41/9 आगे देखेंगे इसको, ये हो जाएगा 9×36 इसका मतलब 360, ये 9 बार जाएगा ना, 4×9=36 9×9=81 हो गया, फिर यहाँ पे देखेंगे 9×36 चार बार हो जाएगा 1640 में से हम घटाएंगे 81 को, तो ये हो जाएगा मेरा 9, उधर 13 हो जाएगा 8×5=13, यहाँ पे हो जाएगा 5, हो जाएगा 15×5/9/360 यही होगा, दशमलव में आएगा ना सर, काटे इसको छोटा करने के, हाँ भाई याद करो तो दशमलव में ही आएगा, ठीक है वही कर रहे सर, ठीक हो गया, ठीक कोई प्रॉब्लम नहीं, ध्यान दीजिए क्वेश्चन है, कुछ किया नहीं गया इसमें, यहाँ पे क्वेश्चन दिया था साइन थीटा का मान 2/29 और आपसे पूछा था कॉस थीटा और टैन थीटा का अलग अलग मान पूछा था, ठीक यहाँ पे रखेंगे साइन थीटा मतलब लंब बटा कर्ण, तो कर्ण का मान हो गया रूट में 29/2, यहाँ पाइथागोरस लगाया जाएगा तो ये जगह रूट में 29 का स्क्वायर बराबर के 2 का स्क्वायर प्लस 5 ए बी का स्क्वायर हो गया, अब यहाँ पे रूट में है तो रूट घटेगा तो 29 निकल जाएगा, 2×4 इधर आएगा तो घट जाएगा 25 हो जाएगा, इसका मतलब इसका रूट निकालेंगे तो 5×25 हो जाएगा, यहाँ पे निकालो, कॉस थीटा पूछा है आपसे,
कॉस थीटा का मतलब होता है आधार बटा में कर्ण, आधार बटा में कर्ण। मान लो कि आधार इसमें क्या दिया है 5 और कर्ण कितना है रूट में 29। ये हो गया पहला आंसर। दूसरा कुछ आता है टेन थीटा, टेन थीटा का मतलब होता है लंब बटा आधार, लंब 2 है आधार 5 है। ठीक है देख लीजिए आप लोग। अब आगे क्वेश्चन देखिए आपके अगला रोल बुक में क्या दिया है, हमने बाकी सब सॉल्व करा दिया है आपको, अब इसमें मान रखने वाला केवल कराना है। ठीक है चलिए अब यहाँ पे सीधे हम प्रश्नावली पे आते हैं, आपके एग्जांपल से कोई मतलब नहीं है, या फिर एग्जांपल भी देखिए एग्जांपल करा दीजिए पहले, एक आया हुआ है। हाँ हाँ करा देंगे प्रश्नावली दिया है आपका त्रिकोणमितीय अनुपात यहाँ पे सीधा। क्वेश्चन भी बहुत ज्यादा नहीं दिया है ना इसमें, ये दिक्कत है। हाँ अगला क्वेश्चन इसमें देखिए, अच्छा क्वेश्चन है ये क्वेश्चन सारे लोग लिखेंगे, सारे लोग ध्यान से लिखेंगे क्वेश्चन को। दिया है 2 sin² t sin² लिखो सभी लोग, 2 sin² t sin माइनस के 3 cos² 45 sin माइनस के 3 cos² 45 sin और प्लस में 10² 60 है, प्लस में 10² 60 अंश, इसका मान ज्ञात करना है। मान ज्ञात कीजिए, का मान ज्ञात कीजिए, मान ज्ञात कीजिए, इसका मान ज्ञात करना है। क्लियर है देखिए सब लोग, मान ज्ञात करने का मतलब सबका मान रखिए। देखिए यहाँ पे 2 ये दिया है sin²t अंश, sin²t का मतलब क्या होता है sin t अंश, यहाँ पे लिखेंगे साइन तीस बटा दो और ये इसका स्क्वायर है। ठीक है यहाँ पे 3 यहाँ पे दिया है कॉस में 45 अंश, इसका दिया है स्क्वायर, प्लस यहाँ पे दिया है 10 में 60 अंश, इसका दिया है स्क्वायर, बोलते रहना कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है चलो मान बताओ, साइन तीस अंश का मान बताओ 1/2 इसका क्या है स्क्वायर है माइनस कॉस 45 अंश का मान 1/2 बस मिला तो रूट। हाँ यहाँ पे देखो 1/4 हो गया माइनस के 3 तो 1/2 हो जाएगा प्लस में 3। बस लोग आप लोग बोलिए नहीं तो फिर बाद में कहेंगे समझ नहीं आ रहा है। ठीक है तो ये हो गया, आगे बढ़िए घटाएंगे 2 × 4 तो हो जाएगा 1/2 माइनस के ये क्या होगा 3/2 और प्लस में 3 कुछ नहीं तो इसका भाग 1 ले लेंगे। अब सीधा एक ही लसर ले लो 2 हो जाएगा, 2 × 2 एक ही हुआ माइनस 2 × 2 3 हुआ, 1 × 2 = 2 बार हुआ ना तो 2 × 3 = 6 हो गया, कटाओ 6 और 1 = 7 सात में से 3 निकल गया तो क्या हो गया 4 × 2 फट गया तो आंसर कितना आ गया 2। तो समस्या इस प्रकार का मान रखने वाला नीचे वाले इजी था, ये क्वेश्चन तो बहुत इजी था। हाँ तो बस आपको यही ध्यान रखना है, ये तो सब है कहाँ कोई टफ है इसमें। सर फिर से बताइए इसमें समझ में है। देख लीजिए यहाँ पे क्वेश्चन दिया था 2 sin²t sin माइनस के 3 cos² 45 sin प्लस में 10² 60 का मान ज्ञात कर रहा है। ठीक है ये तीसरा लाइन जो है मतलब यहाँ से नहीं समझ में है, यहाँ से हाँ इसका मान करके इस यहाँ पे देखिए 1/2 अगुणे 1/4 हो गया, इसका स्क्वायर करोगे ना तो माइनस के 3 है, इसका 1/√2 है, स्क्वायर करोगे तो करंट विभाग हट जाएगा 1/2 हो जाएगा प्लस करंट का स्क्वायर 3 ही हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या कहता है कटाव 2 × 4 1/2 हो गया माइनस के 3 भिन्नों का गुणा समझे ना, ऊपर का ऊपर गुणा नीचे का नीचे गुणा तो 3/2 हो गया और प्लस में 3 कुछ नहीं तो नीचे 1 मान लिया। अब भिन्नों का जोड़ जैसे एक ही बार में सबका सबका हाँ ठीक वही है। आगे देखो आप लोग बहुत ज्यादा टफ नहीं है आपको क्वेश्चन, बस थोड़ा प्रैक्टिस करो आप लोग आ जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया है एक मिनट रुकिए सर हो जाने दीजिए। हाँ हाँ एकदम क्वेश्चन उतार नहीं है आंसर का। हाँ हाँ ऊपर तक हम लिख दे रहे हैं। अगला एक क्वेश्चन तो करना नहीं ना है आप लोग को, 3x = 10 t sin इसका कुछ नहीं करना है, 10 t sin का मान रखा इसे हटा दोगे आ जाएगा वही है। अगला यहाँ पे दिया ये क्वेश्चन करा दे रहे हैं आपको, सर आपने जो वो दिन होमवर्क दिया था जो 4 क्वेश्चन वो मतलब लाल से एग्जांपल थे। हाँ इसी के एग्जांपल थे। अगला क्वेश्चन है
साइन के 90 अंश अभी थोड़ा रिवीजन कर लो, जब फिर से पढ़ाएंगे दोबारा तो काफी अच्छे लेवल पे पढ़ा देंगे। सर ये दूसरा ए वाला बताइए, 1045 वाला। 1045 कौन सा है वो वाला? सर 1045 प्लस 1045 प्लस 3 cos² 90 डिग्री, 45 अंश प्लस में 3 cos² 90 अंश, cos² 90 अंश, और ये दिया है प्लस में 2 sin² 45 अंश, प्लस में दिया है 2 sin² 45 अंश। देखेंगे ध्यान से हम लोग, यहाँ पे मान है 1045 का मान 1 होता है, प्लस में 3 cos90 अंश का मान तो 0 होता है, cos90 अंश का मान क्या हो जाएगा? 0, तो उनके आसान पे 0 हो जाएगा। ठीक है नंदनी, हाँ तो यहाँ पे हो जाएगा 0 और प्लस में 2 sin45 अंश का मान होता है 1 बटा करणी में 2 दिया आ जाएगा, बस 1 प्लस में 0 हो गया प्लस में 2, यहाँ 1 बाई रूट 2 कट है, स्क्वायर करोगे तो बटा में 2 ही हो जाएगा, कट गया तो यहाँ पे क्या मिला 1 प्लस में 1 इक्वल टू 2, अगला भी दिया है 3x बराबर इतना, तो tan 30 अंश का मान रख के भाग कर दोगे हो जाएगा खत्म। फिर अगला दिया है, अगला दिया है sin 90 अंश, sin 90 अंश अगला दिया है क्वेश्चन आपका sin 90 अंश, और ये बराबर भी दिया है sin 90 अंश बराबर दिया है 2 tan a अपॉन 1 प्लस में tan स्क्वायर ए, तो एक का मान क्या, ए का मान ज्ञात कीजिए ए का मान ज्ञात करना। देखो ये थोड़ा सा आपको समझने में प्रॉब्लम होगा, ये रियल में ना tan 2a का sin 2a का फार्मूला है ये, ठीक है, लेकिन आप लोगों को पढ़ाया नहीं गया। अब इसको हम कॉल करना है तो बिल्कुल निश्चिंत रहो, मान रखे सीधा रखा, मान रखने पर रखिए मान साइन अभ्यास का मान कितना होता है, वन वन इसका यहाँ पर क्या हो गया टू टेन ए अपॉन वन प्लस में टेन स्क्वायर ए हो गया ना, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं फिर ये गुणा तो हो जाएगा वन प्लस में टेन स्क्वायर ए बराबर यहाँ पे क्या हो जाएगा टू tan a, इधर लेकर आइए इसको, ये क्या बन जाएगा आपका, इसको पहले लिखते हैं tan स्क्वायर a प्लस में ये 1 है ना तो 1 रहने दो, ये इधर आएगा तो माइनस के 2 tan a और बराबर कुछ रहे तो क्या कर देंगे हम, 0 कर देंगे, ठीक है जी। अब क्या करेंगे इसको, ऐसे देखो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस के 2ab ऐसा हो गया है, इसका 1 का स्क्वायर कर सकते हो, अब समझो फार्मूला ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर और माइनस के टू ए बी को क्या आप लोग कहते हो, ए माइनस के बी का होल स्क्वायर नहीं कहते हैं ना हम लोग, बोलो पूजा मोनू जी। अब ये फार्मूला बने किसका, टेन ए माइनस ये क्या बन गया स्क्वायर बन गया, इधर क्या है जीरो, तो इसका स्क्वायर उधर ले जाओगे तो रूट में हो जाएगा जीरो, तो रूट में जीरो तो उसका मतलब जीरो ही होगा, तो यहाँ पे क्या मिल गया आपका tan a माइनस के 1 बराबर 0 ये हुआ, और फिर 1 को उधर लेकर जाओगे आप कौन है यहाँ पे 1 करेंगे तो आप हो जाएगा tan a माइनस 1 अगर उधर जाएगा तो केवल 1 हो जाएगा। अब आपको क्या करना है यहाँ पे, यहीं पे थोड़ा सा दिमाग लगाना है, tan में किसका मान 1 होता है, 45 का, tan 45 अंश का मान 1 होता है, तो यहाँ पे इसका उल्टा रखोगे यहाँ पे हो गया tan a इधर हो जाएगा tan 45 का। अब यहाँ पे सीधा लिखेंगे तुलना करने पर, सीधा क्या लिखेंगे हम तुलना करने पर, यहाँ पे लिखेंगे क्या तुलना करने पर, क्यों क्योंकि tan के स्थान पे tan है तो a के स्थान पे थीटा है, तो a का मान क्या है 45 अंश, तो a का मान कितना आ गया 45 अंश, यहाँ पे ठीक है लगा लो। चलिए क्वेश्चन दिया था आपका, क्वेश्चन दिया है अगला साइन पाई बाई 3 इंटू कॉस पाई बाई 6 माइनस कॉस पाई बाई 3 इंटू कॉस साइन पाई बाई 6, यहाँ पे ध्यान रखना है आप लोगों को कि जो पाई का मान कहता है ना, पाई का मतलब होता है 180 अंश, इसको लिख लीजिए कहीं पाई का मतलब भी होता है 180 अंश, पाई अंश,
हल करते हैं तो सबका मान रहते हैं, ये हो जाएगा साइन, और पाई का साथ रखेंगे 180 अंश बटा में 3 इनटू ये आपका है कॉस 180 अंश बटा में 6 माइनस ये हो जाएगा कॉस 180 अंश बटा में 3 इनटू ये हो जाएगा साइन 180 अंश बटा में 6 हटाओ इसको 3 6 18 इसका मतलब ये हो गया साइन 60 अंश इनटू कॉस 6 3 28 कॉस 30 अंश माइनस ये हो जाएगा कॉस 6 3 18 तो यही होता है माइनस कॉस 60 अंश का मान क्या होता है, कॉस 60 अंश का मान हो जाएगा 1/2 इंटू साइन 30 अंश का मान हो जाएगा 1/2। पाई का जो मान होता है देखो कितना मान होता है, एक होता है पाई का मान 22 बटा में 7 इसको आगे 7 तो ये होता है वो, फिर एक पाई का मान कोण के रूप में होता है, पाई का जो मान कोण के रूप में होता है पाई बराबर होता है 180 ठीक। यहाँ क्वेश्चन ये बनता है पाई मेरा क्या है, अपरिमेय है और 22 बटा 7 परिमेय है। आगे देखो यहाँ पे फिर हो जाएगा भिन्नों का गुणा, तो गुणा करेंगे तो रूट रूट खत्म हो जाएगा केवल 3 दो तुने के 4 माइनस के 1/4। आगे सॉल्व करते हैं इसको, लसा बराबर है 4 हो जाएगा 3 माइनस के 1 इक्वल टू यहाँ पे क्या हो जाएगा 2/4 कटाएंगे तो क्या हो जाएगा 1/2। तो हम लोग का आंसर आ गया 1/2। तो बहुत घबराने की बात नहीं है, इसको और भी शॉर्टकट तरीके से लगाया जा सकता था। ये फार्मूला है साइन ए कॉस बी माइनस के कॉस ए साइन बी, आप लोग को फार्मूला बताया नहीं गया इसलिए तो दिक्कत हुआ। बाकी सबसे त्रिकोणमिति देखो बहुत सारा फार्मूला है, त्रिकोणमिति के बहुत शॉर्टकट तरीके हैं, लेकिन उतना ही आपके लेवल में पढ़िए जो हम लोग को आ जाए, नहीं तो ज्यादा हाई पढ़ा देंगे तो फिर फंस जाओगे, फिर वो हाई स्कूल इंटर पहुंच जाएगा। इसको सॉल्व कर लीजिए आप लोग, आठवां उदाहरण आप लोग को अभी नहीं पढ़ाएंगे, जब नया पढ़ाएंगे तो बता देंगे आप लोग को, ये मान चेंज करने वाला है सर। सातवां बता क्वेश्चन नंबर 7 करा दीजिए, क्वेश्चन नंबर 7 सर एग्जांपल 7 बता दीजिए, मैं हम वही वही कराने जा रहा हूँ जो आप कहिए वही चलेगा। सातवां एग्जांपल देखिए क्या दिया है, सातवां एग्जाम्पल जो आपका दिया है सातवें में लिखा है कॉस 90 अंश बराबर 1 माइनस के 2 साइन 45 अंश, इसमें करना क्या है सब कुछ ये बताना चाहता है, कॉस 90 अंश बराबर 1 1 माइनस के 2 साइन स्क्वायर 45 अंश बराबर है, बराबर है 2 कॉस स्क्वायर 45 अंश माइनस के 1 2 कॉस स्क्वायर 45 अंश माइनस के 1। ये देखो क्या कह रहा है, ये प्रश्न दिया है ना कि कॉस 90 अंश का भी मान 1 माइनस के 2 साइन स्क्वायर 45 अंश बराबर होना चाहिए 2 कॉस स्क्वायर 45 अंश माइनस के 1। आगे नहीं दिया लेकिन यहाँ पर लिखना है, सिद्ध कीजिए सिद्ध कीजिए दिया नहीं है तो सबका मान रखोगे तो खुद ही पता चल जाएगा कौन क्या स्थिति में है। यहाँ पर रखोगे मान पेज नंबर 63 पे बोल रही थी मैं, सेवन एग्जांपल पेज नंबर 63 अब सर लगा दीजिए, लगा दीजिए ये करा दीजिए, ये तो हम कराए सी भी आप लेट कर दो कराए हैं इसको रिकॉर्डिंग में है देख लीजिएगा ठीक है सर ठीक। यहाँ पे देखिए तो अब सबका समान है दीजिए, यहाँ पे इसका जब मान रखेंगे तो कॉस 0 कॉस 0 का मान क्या होता है, कॉस 90 का मान 0 हो गया बराबर, ये हो गया 1 माइनस के 2 साइन 45 का मान सब लोग जानते हैं कि 1/√2 होता है, इसका स्क्वायर करना है आगे बढ़ो 2
cos 45 का समान होता है 1 by root में 2, इसका स्क्वायर करना है माइनस के 1, आगे देखेंगे 0 बराबर 1 माइनस के, ये हो जाएगा 2 into 1 by 2 हो गया बराबर, यहाँ पर 2 into स्क्वायर करेंगे तो 1 बटा 2 हो जाएगा माइनस के 1, आगे देखो 0 बराबर 1 कट गया ना, 1 माइनस के 1 बराबर, यहाँ पे देखो 2 बन जाए 2, हो जाएगा 1 माइनस के 1, 0 बराबर, इसमें से कट जाएगा तो 0, इसमें से 0, हमारा क्या हो जाएगा प्रूफ हो जाएगा, और यहाँ से हम लोग बहुविकल्पी लगाना चालू करते हैं। पहला बहुविकल्पी दिया है साइन थीटा बराबर, पहला दिया है साइन थीटा बराबर ए बाई बी, ए बाई बी तो कॉस थीटा, तो cos थीटा बराबर होगा ऑप्शन ए दिया है इसमें, ये ऑप्शन हमने लिखेंगे, सीधा सॉल्व करके दिखा देते हैं, हल करना है तो क्या करना है, यहाँ पे sin थीटा का मान ये दिया है, इसका मतलब दूर बनाएंगे तो यहाँ पे थीटा दिया है, तो यहाँ पे ए बी सी, ये हो गया थीटा, sin थीटा का मतलब होता है लंब बटा कर्ण, इसका मतलब हो जाएगा लंब ए और कर्ण का मान क्या दिया है बी, हमको ए भी निकालना है तो पहले पाइथागोरस से हो जाएगा ए सी का स्क्वायर बराबर में ए बी के स्क्वायर प्लस में बी सी के स्क्वायर के, ए सी का स्क्वायर मतलब क्या है बी स्क्वायर, ए बी का स्क्वायर मतलब ए बी मेरा क्या है तो पूछ ही रहा है, और प्लस में बी सी हमारा क्या है स्मॉल ए है, इसका स्क्वायर इधर याद आ रहा है तो क्या हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस के ए स्क्वायर, इक्वल टू क्या दिया है ए बी का स्क्वायर, रूट लग जाएगा तो हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस के ए स्क्वायर, इक्वल टू क्या हो गया ए बी, ठीक है जी, यहाँ पे हो गया रूट में ए बी स्क्वायर माइनस के ए स्क्वायर, खत्म। फिर मान जो पूछा है निकालो, cos थीटा पूछा है तो cos थीटा सारे लोग जानते हो कि आधार बटा में कर्ण होता है, आधार यहाँ पे क्या दिया है नीचे वाला रूट में बी स्क्वायर माइनस के ए स्क्वायर, और कर्ण क्या है केवल बी, अगला क्वेश्चन जो आपका दिया है ये दिया है त्रिभुज सी बी ए में, त्रिभुज दिया है सी बी ए में ए सी बराबर है ए बी के और बराबर है दो, ये कितना अच्छा क्वेश्चन, मतलब कितना अच्छा क्वेश्चन है ये लगा रहे हो आप लोग अभी, हो गया बाकी लोग एक्टिव हो हमेशा। अगला क्वेश्चन दिया है समकोण, लिखा है इस बात को समकोण, लिखा है समकोण, समकोण क्या लिखा है सी बी ए में, सी बी ए में मतलब कोण सी बी ए में ए सी बराबर है ए बी के, ए सी जो है एकदम बराबर है किसके ए बी के, ए सी बराबर है ए बी के और बराबर में इसका रियल मान है दो, तो पूछा क्या है तो साइन थीटा का हाल पूछा है, तो पूछा है साइन थीटा बराबर क्या होगा, ठीक घबराना कुछ नहीं है, त्रिभुज बनाना है सबसे पहले, हमने त्रिभुज बनाते समय बताया कि जब समकोण जिसके बीच में देगा वही बनाना है, यहाँ पे हो जाएगा बी, मान चाहे यहाँ पे रख लो ए बी, बात खत्म, कह रहा है कि ए सी का जो मान है लेकिन ए से लेकर के जो सी की दूरी है, रुक जाओ कुछ गड़बड़ हो रहा है, क्या लिखा है इसमें सी बी ए, अरे तो ऐसे नहीं हो सकता ना, ए बी कण इसके बराबर हो ही नहीं सकता है, ए सी और फिर ए बी ये सस्पिशन है, सही नहीं है कुछ नहीं, क्योंकि जो दिया है कोण सी बी ए, हाँ सी बी ए खाने का मतलब ये 90 हो जाएगा, जब ये 90 हो जाएगा तो इसके संदर्भ में एसी कण हो जाएगा, जब एसी कण होगा तो एसी खुद ही एसी भुजा और दोनों से बड़ी होती है, इसमें कह रहा है कि एसी जो है ए बी के बराबर है, इसके बराबर है, कभी संभव है, हो सकता है कोई, हाँ हो भी सकता है कोई दिक्कत नहीं, चलो ठीक, तो ये हो गया दो, नहीं कौन का भी दोनों जगह से पढ़ा होगा, एक ही जगह सी लिखी है सी बी ए लिखी है, ए ए सी ए बी सी लिखा है हमने, सी बी ए लिखी है, क्या है सी बी ए, सी बी ए इसको बता दे, हाँ अब बोल रहा है सी बी ए कण होगा, जब यह नहीं कभी नहीं हो सकता है, इन दोनों भुजाओं से हमेशा ही भुजा बड़ी होती,
चाहे किसी भी केस में, तभी तो मुझ बनता है। एसी बराबर दो रखेंगे और ए बी बराबर दो रखेंगे तो सर पाइथागोरस प्रमेय लग जाएगी। यहाँ पे एसी नहीं होना चाहिए, जैसे यहाँ पे ए बी है ना तो यहाँ पे बीसी होना चाहिए, गलत हो जाएगा। तब हो जाएगा, जब बीसी हो जाएगा तब हो जाएगा। इसका मतलब देखो, अभी बीसी का मतलब यहाँ पे भी दो है और यहाँ पे भी दो है, तब इसका मान निकला जाएगा ना कि दो का स्क्वायर प्लस दो का स्क्वायर। इसका मतलब कि चार प्लस में चार हो जाएगा रूट में आठ, रूट में आठ का मतलब कि दो रूट में दो। यार लेकिन बताइए सर, गणित के विज्ञाता हैं आप, बताइए गलत है कि सही है। अरे तो हम बता रहे क्वेश्चन गलत किया है ना, वो कैसे हम बताए गलत किया तो नहीं बताएगा ना, ये क्वेश्चन सही नहीं किया है, हम देख के वैसे बता देंगे। वो मिलता ही नहीं, बिना पास पांच साल बराबर होगा ही नहीं। आगे देखिए, एक बटा रूट टू, हाँ तो देखना पड़ेगा, एक बटा रूट टू है तो किससे मिला है वो देखना पड़ेगा, लेकिन प्रिंटिंग का ही गलती किया है। अगला क्वेश्चन देखा जाएगा आपका, तीसरा नंबर लगा लेंगे आप लोग। काट का मान दिया है चार बटा तीन, तो कास का मान तो लगा ही लोगे, लगा लेंगे। चौथा दिया है कास थीटा इनटू, ये तो सबको तोड़ना है, लगा लोगे तोड़ते हैं। कास थीटा का मान मिलता है कास बटा, देखो कैसे होगा ये। चौथा नंबर का जो क्वेश्चन है वो दिया है कॉट थीटा इनटू, यहाँ पे दिया है साइन थीटा इनटू, दिया है यहाँ पे सेक थीटा। क्लियर तुरंत तोड़ सबको। कॉट थीटा का मतलब क्या होता है, कॉस थीटा अपान में साइन थीटा। अगला साइन थीटा का खुद साइन थीटा रहने दो, ये सेक का मतलब हो जाएगा वन अपान कॉस थीटा, हो गया कॉस से मेरा कॉस कटा, साइन से साइन कटा, इसका मतलब वन, इसका आंसर हो गया। आगे देखा जाएगा पांचवा कॉस 45 का मान 1/√2। अगला है छठा कॉट टीसंस बटा में टेन 45 सबका मान रख देना कट जाएगा। सातवां भी सेम है, आठवां भी बिल्कुल सेम है, दिया है कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1/√2। सर इस तरह का क्वेश्चन करा दीजिए, इस तरह के जो क्वेश्चन आपने कराया है अभी, इसी तरह के दो क्वेश्चन कहीं दिख रहा तो करा दीजिए सर। ये तो करा ही रहे हैं सर, आठवें नंबर का जो क्वेश्चन दिया है आपका वो दिया है कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1/√2 और पूछा है साइन थीटा का मान, पूछा है साइन स्क्वायर थीटा, कोई दिक्कत नहीं है। हम लोग जानते हो इसको दो तरीके से करा सकते हैं, सूत्र भी जानते हो कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कॉस स्क्वायर थीटा बराबर हमारा 1 होता है। साइन स्क्वायर थीटा का मान निकालना है, कॉस स्क्वायर थीटा का मान दिया है क्या 1/√2 यहां पर 1 है, ये यहां पर साइन स्क्वायर थीटा, उधर लेकर चले जाओ इसको, तो साइन स्क्वायर थीटा बराबर हो जाएगा 1 - 1/√2, दो एक में दो दो में से घट जाएगा तो क्या हो जाएगा 1/√2, ये किसका मान है साइन स्क्वायर थीटा का। आ गया साइन स्क्वायर थीटा का मान हो गया 1/√2, हो गया ना। एक तरीका तो ये है लगाने का, दूसरा तरीका बता दे, दूसरा तरीका हो जाएगा कि इसका मान उठा कर इसमें रखोगे, दूसरा तरीका हो जाएगा कि कॉस स्क्वायर थीटा का मान दिया 1/√2, तो कॉस थीटा का मान क्या हो जाएगा इसको रूट में कर देगा, रूट में 1/√2। और आप बताओ रूट में किसका मान 1/√2 होता है, 45 का, इसका मतलब कि थीटा का मान कितना है 45 अंश। क्लियर, तो उसमें भी 45 अंश रखो, तो इसमें रखो साइन स्क्वायर 45 अंश, स्क्वायर कर दो तो हो जाएगा 1/√2 में, वर्ग करोगे इसका तो हो जाएगा 1/√2। आगे दोनों तरफ से ठीक है लगा लेंगे आप। वैसे ही नौवा है, नौवा में दिया है कि साइन थीटा बराबर रूट में 1/√2, तो थीटा का मान कितना होगा 2 है, तो सब लोग जानते हैं कि साइन 45 का 1/√2 होता है, थीटा का मान 45 हो गया। अगला दसवां में दिया है सेक स्क्वायर थीटा माइनस के 1, इसका ये फॉर्मूले ही पूछ दिया, सेक स्क्वायर थीटा माइनस के 1 बोला है ना, ये किसके बराबर होगा, आप लोग सब लोग जानते हो कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस के टैन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1 होता है, ये पढ़ा गया आपको, आपको sec स्क्वायर थीटा माइनस 1 पूछा है, तो इसको इधर लेकर चले आओ, ये क्या हो जाएगा sec स्क्वायर थीटा और माइनस 1 बराबर tan स्क्वायर थीटा, इसका मतलब इसका मान होगा tan स्क्वायर थीटा, सूत्र है। आगे देखेंगे, आगे आपका देखा जाएगा क्या क्वेश्चन दिया गया है। अगला क्वेश्चन दिया है 2 का 7 से 2 का 30 जिसको भी लगा लोगे, ये दिया है 2, बैटरी भी खत्म होने वाली है अभी, 3% का चलेगा। सर इस तरह के क्वेश्चन करा दीजिए सर, इस तरह के क्वेश्चन मुझको नहीं आ रहे हैं, सामने मिल रहा है करा रहा है ना, 2 sin 60 cos 30
कॉस थीटा, ये कुछ नहीं है टू, यहाँ पे देखो कॉस आठ का मान सब लोग जानते हुए बटा दो होता है, कॉस थीटा का मान एक बटा दो है, दो से दो कट गया तो क्या बच गया, एक बटा दो ही बचे, काम खत्म। सर इससे कुछ सवाल आ रहा है, इससे कुछ हो जाएंगे सर, ये तो इजी है सर, जिस तरह से फॉर्मूले पर कर रहे हैं वो अलग दिक्कत हो रही मुझे। अगला क्वेश्चन देखिए, ठीक है जी देखो अगला क्वेश्चन दिया है sin² θ - l * sec² θ, बात ही ऊपर नहीं आ रही। 12 नंबर ये दिया है क्वेश्चन, sin² θ * sec² θ, इसका मान क्या होगा, तो मतलब क्या हो जाएगा, ये अगर sin² θ और sec² θ को मतलब तोड़ेंगे sin का मतलब cos² θ, sec को ऐसे लिखते हैं, ये बन गया आपका साइन स्क्वायर थीटा बटा में कॉस स्क्वायर थीटा, तो सब जानते हो साइन थीटा अपन कॉस थीटा मतलब टैन थीटा, तो इसका स्क्वायर फार्मूला क्या हो जाएगा, टैन स्क्वायर थीटा, तो इसका हो गया। अगला दिया है आपका 14 नंबर में, सेक थीटा माइनस के टैन थीटा, सेक थीटा 12 बता ना, 12 12 तो बताए हैं, ऐसा कौन सा मान होता है जो साइन के 45 अंश के बराबर है, साइन थीटा के बराबर होता है, बोलो। पहला दिया है 30 अंश, 30 अंश तो कभी बराबर नहीं होगा, दूसरा दिया है बी 0 अंश, अच्छा 0 अंश पे साइन 90 इसका तो गलती होगा, सी का मतलब हो गया बराबर दिया है दोनों का, एन 45 अंश का मान 1 होता है और साइन 45 1 बाई रूट मैच करेगा, 0 जीरो होगा क्योंकि साइन जीरो का मान जीरो होता है, टेन जीरो का भी मान जीरो ही होगा, यही सेम है, ठीक है, यहाँ पर हो जाएगा थीटा का मान आपका हो जाएगा जीरो, ये वाला बता दिया जैसे सेक थीटा माइनस टेन थीटा, 14 नंबर क्या कह रहा है आपका, 14 नंबर कह रहा है एक थीटा माइनस के टेन थीटा, एक थीटा माइनस के tan थीटा, अगला है इसका sec थीटा प्लस में tan थीटा, ये किस फार्मूला पे जा रहा है, पहले ब्रैकेट में a प्लस b, दूसरे में a माइनस के b, मतलब वर्गांतर a स्क्वायर माइनस के b स्क्वायर, इसका मतलब टूट रहा है क्या, sec स्क्वायर थीटा माइनस के tan स्क्वायर थीटा पे, और इसका फार्मूला सब लोग पढ़ते हैं, इसका मान क्या होता है, 1 होता है। अगला cos थीटा का मान 1 है तो cot थीटा का मान बताओ, देखो कितना मजा आ रहा है लगाने पे, छोटा छोटा प्रश्न है। 15 नंबर देखिए, आप लोग आज गए थे ऑफलाइन कोचिंग में पढ़ाने के लिए 9th और 10th में, बहुत मजा आया, लेकिन हमको कह रहा है कि पढ़ाएंगे तो 3 घंटा सुबह 3 घंटा शाम में, हम कह रहे हैं उतना नहीं पढ़ा पाएंगे, पढ़ेंगे क्या जगह, आपको कमाने लगे कमाने थोड़े आए हैं। अगला दिया है cos थीटा का मान 1, cos थीटा का मान 1, तो पूछा है आपसे cot थीटा का मान, cot थीटा का मान पूछा है, देखो यहाँ पे cos थीटा का मान 1 दिया है, cos का कौन सा ऐसा मान होता है जो 1 होता है, बताओ cos का कौन मान 1 होता है, 0 सर, 0 0 थीटा का मान कितना हो गया, 0 1, वहीं पुट पुट कर दो तो ये क्या हो जाएगा, cot में 0 1, अब cos 0 1 का मतलब समझ में नहीं आ रहा है, इसको तोड़ दो, cos 0 1 upon sin 0 1, cos 0 का मान क्या होता है 0, नीचे कुछ भी इसका मान आना जीरो ही है, इसका भी मान क्या आ जाएगा, जीरो ही आ जाएगा। हो गया, इसका तो इंफिनिटी आ रहा है, इंफिनिटी होता है सर, और जीरो का मान, आ जीरो का मान इंफिनिटी होगा ऐसे, हाँ देखिए टेबल में कॉट जीरो का मान, कॉट का पूछे है, अनंत होगा ना, बता रहे क्योंकि cot 0 का मान, तो cos 0 का मान तो 1 होगा, cos 0 का मान 1 होगा, इसका मान हो जाएगा 0, तो जब कोई संख्या 0 से बाहर कर रहे हैं तो अनंत होगा, सही है, 1/0 को करेंगे तो इनफिनिटी आता है,
वन बटे जीरो का जैसे भाग देंगे इन्फिनिटी पे आ रहा है। हाँ आता है, वही आता है। अच्छा चलिए आगे क्वेश्चन, चलिए बाकी कॉल करा देते हैं ना जो छोटा छोटा क्वेश्चन सर खत्म कर दीजिए आप। सर कल करा दीजिए, मेरा फोन का नेट भी खत्म हो गया, 10% बचा है। जरूर कल करा देंगे, इसके बाद से ना क्या करेंगे इसके बाद।